सो हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोमल यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगा, ये आपको एक मैं दिखा रहा हूँ तरीका कि अपन को चेन को कैसे क्लीन करना है, ल्यूब करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये मेरा चेन है। अभी बारिश से मैं कुछ ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके मतलब अपन को कम से कम 3 हफ्ते या 2 हफ्ते में, डिपेंड करता है आप कैसे गाड़ी राइड करते हो, तो चेन को थोड़ा क्लीन करना पड़ता है ताकि आपकी फ्रिक्शन कम हो और आपका चेन ख़राब मत हो और अच्छे से आपकी गाड़ी चल पाए। इसी के लिए हमको चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग दोनों करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने बॉडी में या मतलब कहीं भी ऑयल लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि फ्रिक्शन अच्छे से बना रहे, फ्रिक्शन नहीं हो और गाड़ी अच्छे प्यार से चल पाए। जैसे देख सकते हो, गाड़ी यहाँ पे थोड़ी चेन गंदा हो गया, इसमें बहुत सारे डट लगे हुए हैं। तो इसी को आज इस वीडियो में मैं आपको क्लीन करने का तरीका दिखाऊँ, कैसे हम इसको क्लीन कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। तो ये है मोटुल का चेन ल्यूब C2। ये आप कोई भी पल्सर गाड़ी में इसको यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली चेन ल्यूब है, मतलब चेन जो ऑयलिंग होता है वो इसके थ्रू होता है और इसके साथ आता है चेन क्लीन। इससे हम चेन को क्लीन करते हैं और इससे हम चेन को ल्यूबिंग करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से लिया था कॉम्बो ऑफर में। ये दोनों प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं अगर आपको चेन वगैरह क्लीन करना है। इन दोनों की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों को चेन ल्यूबिंग और चेन क्लीन, कोई भी पल्सर या बुलेट, मतलब हाई एंड गाड़ी पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्लीनर है ये। अभी मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करेंगे इसका चेन क्लीन। आप देख सकते हो मोटो C1 चेन क्लीन। चेन क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप गाड़ी को सेंटर स्टैंड में डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर स्टैंड में गाड़ी डाला हुआ है और आप यहाँ पर अपना गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दीजिए। इससे क्या है, ये चेन अपने मूव होने लगेगा। आप देख सकते हो चेन यहाँ पे मूव हो रहा है। सब सिंपली आपको अपना वो चेन क्लीन लेना है और यहाँ पे इसको लगाना है। तो यूज करने के पहले आपको शेक करना पड़ेगा, इसको जोर से शेक कर लीजिए। और यहाँ पीछे से ये आप एरिया देख रहे हो, थोड़ा अपना जगह बचा लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्प्रे करना है इसको, इस तरीके से स्प्रे करना है इसको। ज़्यादा फोर्स से नहीं, आराम से ही करना है। और यहाँ से भी आप इसको स्प्रे कर दीजिए ताकि पूरे अच्छे तरीके से इस पर चेन क्लीनर लग जाए। बस इतना काफ़ी है। अब इसको घूमने देते हैं। आप देख सकते हो डर्ट कैसे नीचे गिर के आ रहा है वहाँ पे। तो जितना भी चेन में जो डर्ट था वो क्लीन होकर नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हो। इसको 5 to 10 मिनट्स आप ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी बंद कर ली। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जितना भी डर्ट है ये अपने आप चेन क्लीनर से ही निकल जाएगा। आप देख सकते हो जितना कालिक है सब कुछ इसका डर्ट था, तो यहाँ पे ये निकल रहा है अभी। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये 5-10 मिनट्स हो गया और इसका जितना भी डर्ट था ये निकल गया था। अब हमको चेन को रगड़ना है। आपको चेन क्लीनर जैसे नेट पे मिल जाएगा, अमेजन में देखोगे तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। पर यहाँ पे मैंने चेन क्लीनर बनाया है 2 ब्रश को ज्वाइन करके। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको चेन को ऐसे रगड़ना है, जोर जोर से रगड़िए ताकि जितने भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कंगड़ पत्थर होंगे वो मतलब छोटे छोटे वो सब कुछ निकल जाएंगे। इसको पूरी तरह से आपको चेन में रगड़ना, अच्छे से इस तरीके से आपको रगड़ना है। अभी मैं यहाँ रगड़ूंगा इस तरीके से, पूरी चेन में इसको अच्छे से क्लीन करना है ताकि जितना भी डर्ट्स वगैरह हो इस चेन से निकल जाए। अब जैसे कि मैंने इसको ब्रश से काफ़ी ज़्यादा रगड़ लिया है तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डर्ट निकल गए हैं। लेकिन हम इसको प्रॉपरली क्लीन कर लें कि आप ऐसा एक नॉर्मल सा क्लॉथ ले लो, टी शर्ट वगैरह जो कपड़ा होता है, इसको यूज़ करके आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन करना है। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर आपको क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हो शाइन आ रहा है यहाँ पे। क्लीन करोगे तो पूरा जो क्लीनर का भी था और जो डर्ट्स वगैरह पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे चेन में यहाँ पे क्लीन, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी उंगली फंसे मत, तो कोशिश करेगा धीरे धीरे करिए क्योंकि कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है कि आपका उंगली फंस जाएगा तो चांसेस होगा एक्सीडेंट होने का। इसलिए आप कोशिश करेगा आराम से इसको क्लीन करने के लिए। इस तरीके से आपको पूरे चेन को क्लीन करना है। आप देख रहे हो कि चेन में यहाँ पर शाइन आना चालू हो गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा। इस तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे अब। आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कपड़े से काफ़ी ज़्यादा क्लीन चेन हो गया। आप देख सकते हो ज़रा सा भी इसमें डर्ट वगैरह नहीं है। पर फिर भी हम एक बार फिर से ये चेन क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इस बार यूज़ करें ताकि और भी जितने भी थोड़े बहुत बचे हों वो भी क्लीन हो जाए। एक बार फिर से हम इसको स्प्रे करेंगे इसमें यहाँ पर चेन के ऊपर, फिर से एक बार स्प्रे करेंगे ताकि थोड़ा बहुत और भी जो बचा हो अच्छे से क्लीन हो जाए।
यहाँ फिर से हम इसको चेन पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे चेन क्लीनर को। इस बार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। फिर से उसको थोड़ी देर आप घूमने दीजिए ताकि प्रॉपरली चेन क्लीनर लग जाए। अब देखिए तो जो थोड़ा बहुत गंद भी था वो भी अब निकलना चालू हो गया है। तो ये इसका फ़ायदा है दो बार चेन क्लीनर लगाने का। अब इसको प्रॉपरली फिर से हम एक बार कपड़े से वॉश करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि अब चेन तो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। देखिए अच्छी खासी शाइन आ गई इसमें। अब टाइम है इसमें प्रॉपर ल्यूबिंग करने का। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चमक आ गई इसमें अभी। अब इसको ल्यूब करने के लिए सेम प्रोसीजर आपको करना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, फर्स्ट गियर में डालना है और धीरे धीरे यहाँ पे आपको चेन ल्यूब करना है। चेन ल्यूब करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, चेन ल्यूब मोटुल का C2, यह देख सकते हो यहाँ पे, इसको इस्तेमाल करेंगे अपन, लगाएंगे इसको ल्यूब करने के लिए। सिंपली यहाँ पे आप इसको छोड़ते रहिए धीरे धीरे। यहाँ से लग गया, आप थोड़ा बहुत आप यहाँ से साइड से लगा सकते हो। ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा ही लगाना है, तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। अब चेन ल्यूब लगाने के बाद आपको कुछ देर तक इसी मोड में रखना है, मतलब गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के 2 से 3 मिनट्स के लिए आपको रखना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली हर जगह चेन में जो चेन ल्यूब हम लगाए हैं वो प्रॉपर तरह से लग जाए चेन में। क्योंकि अगर सडनली स्प्रे करोगे तो आपका चेन ल्यूब वहीं का वहीं रहेगा, तो प्रॉपर एक बार जब घूमेगा तो अच्छी तरह से सारा कुछ फैल जाएगा। सो प्रॉपरली एक अच्छे चेन ल्यूबिंग के लिए आप मतलब हो सकता है, देख रहे हो अभी पूरा घूम रहा है यहाँ पे। अब चेन ल्यूब जो हमने स्प्रे किया पूरी अच्छी तरह से फैल रहा है यहाँ पे। सो गाइस अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली चेन ल्यूब हो गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आ गया है। सो इस तरीके से अगर आप चेन ल्यूब या चेन क्लीन करोगे हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार, तो आपका चेन का लाइफ अच्छा रहेगा और चेन स्प्रॉकेट घसने से भी बचाता है, मतलब अच्छा खासा आपका हेल्प हो जाएगा और पैसे भी सेव होंगे। सो ये दोनों के लिए मैं ये दो प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगा। ये दोनों प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो आप ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये है मोटुल का C1 और चेन क्लीनर मोटुल का C2। मोटुल C1 C2, ये चेन क्लीनर और चेन ल्यूब दोनों आपका लिंक मैं अपने अमेजन वाला लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये मोटुल का, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है। और ये आपको कॉम्बो ऑफर में अराउंड 500 रुपीज़ का मिलता है, अगर आप सेपरेट लोगे तो आपको 1000 रुपीज़ का पड़ेगा। पर सही से बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। आप देखें तो बिल्कुल चेन यहाँ पे न्यू कंडीशन में हो गया है। अब मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में अगर आपको चेन स्प्रॉकेट का लाइफ चाहिए या आपकी चेन कंडीशन की लाइफ चाहिए, तो आप जरूर चेन क्लीन और ल्यूब करना मत भूलिएगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी चलेगा। सो ये था मेरे ये आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर सकते हो, ताकि दूसरे के फ्रेंड को भी अगर ये सजेशन चाहिए तो वो भी इस बारे में जान पाए। सो रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कैसे लगा आपको ये दोनों प्रोडक्ट और कैसे लगा आपको ये चेन क्लीनिंग का प्रोसेस। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।